Welcome back to the channel SIFATX Gaming and यार आज मैंने अपने छोटे भाई को चैलेंज करा है पोकेमोन यूनाइट के अंदर एंड गाइस की कौन जीतेगा हम दोनों में से अगर हम पोकेमोन यूनाइट के अंदर बैटल करेंगे एंड फ्रेंडली मैच में होगा और रैंक्ड में तो हो नहीं सकता और क्विक मैच मेरा भी खुला नहीं है तो स्टैंडर्ड ही करेंगे एंड मैं मतलब भाई ये अभी आपको लग रहा होगा भाई ये सिक्स लेवल ही है बस तेरा तो मैं बात बताता हूँ क्या हुआ था। मैं पहले भी खेलता था पोकेमोन यूनाइट लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता था। तो पहले यार मेरी एकदम सही आईडी थी उस वो मैंने अपनी दूसरी आईडी ले रखी थी उसमें भाई मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे पोकेमोन थे लेवल भी 24-25 के आसपास था एंड गई बहुत ज़्यादा अच्छे पोकेमोन थे जैसे हो गया यार ज़ेरोरा एंड डिसाइड हुआ है बहुत ज़्यादा अच्छे लेकिन इस वाली में देखो क्या पोकेमोन है। मैंने फिर कल ही करा था क्योंकि मेरी वो वाली आईडी को मेरे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी फिर मैंने एस्ट्रोफिजिक्स गेमिंग वाली आईडी से करा। इसमें मेरे पास है विनफॉल अलोलन 90s स्लोब्रो स्नोलेक्स जो कि मेरा स्टार्टर है फरीना वो तो मिल ही गई थी और ब्लास्टोइस ब्लिसी गार्चोम्प और सिल्वीलियन। तो गाइस अभी भाई मैं 10,000 कॉइन इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि यार अब 3 दिन के बाद ही ड्रैगोनाइट आने वाला है उसे खरीदने के लिए एंड मेरे पास ऑलमोस्ट होने वाले हैं। अब देख सकते हैं 9,580 कॉइन्स हैं एंड 10,000 का वो होने वाला है। तो चलो यार पहले मैं इसको फ्रेंड क्राफ्ट भेजता हूँ फ्रेंडली मैच में आ गया। चलो भाई यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं मैच एंड मैं स्नोलेक्स लेने वाला हूँ क्योंकि भाई स्नोलेक्स के साथ में एक बहुत ज़्यादा अच्छा ले रहा हूँ मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ एंड इसने गार्चोम्प लिया है एंड गाइस अगर आप यहाँ पे बैटल प्रेप भी देखें मैंने हेड आइटम से उसको प्रोवर्स दे रखा है बैटल आइटम में पोशन क्योंकि और कुछ है मेरे पास है नहीं। हेड आइटम्स में मसल बैंड है और वो स्कोप लेंस है ना लेकिन मैं वो इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि भाई ये डिफेंडर है पोकेमोन अटैक भी बहुत ही ज़्यादा है एकदम अटैक बहुत ज़्यादा अच्छा करता है ये तो इसलिए मैंने वो नहीं दी इसलिए मैंने लेफ्ट ओवर दे दिए। चलो यार एंड मैच स्टार्ट होने वाला है एंड हो गया। चलो यार मैच स्टार्ट एंड गाइस अगर आपको बैकग्राउंड में से कोई नॉइस आ रही तो उसके लिए सॉरी। चलो यहाँ पे मैं टैकल ले रहा हूँ एंड मूव से भी इसका बहुत सही पता है भाई बहुत अच्छा खेलता है। एक बार आप इस मूव सेट के साथ जो कि मैं लेने वाला हूँ ना उस मूव सेट के साथ स्नोलेक्स से प्रैक्टिस करके देखना प्रैक्टिस मैच में या तो कोई स्टैंडर्ड बैटल या फिर रैंक्ड बैटल या क्विक बैटल में क्विक मैच में करके देख लेना यार बहुत ज़्यादा अच्छा है यार एकदम बहुत ज़्यादा ही अच्छा खेलता है स्नोलेक्स में। एंड यहाँ पे इस वाटर टाइप वाले पोकेमोन का मुझे ये अनोवा रीजन का इसका नाम बताना ज़रा क्योंकि इन यहाँ पे जितने भी पोकेमोन हैं उन सबका नाम पता है वो बीएटिक के स्मॉल इवोल्यूशन को छोड़ के और इसको छोड़ के सबका पता है मुझे यार इसका बता देना मुझे लग रहा है इसका पैम्पियर होगा या फिर पैम्पियर वो फायर टाइप वाले का था पैम्फेज तो मुझे पता है पक्का वो पैम्फेज ग्राफ टाइप वाले का ही है लेकिन भाई ये इसका नहीं पता मुझे वाटर टाइप वाले का सीधा भाई 30 गोल करेंगे आधा अधूरा नहीं करेंगे गोल। ये गया ये भी एंड प्ले लूँगा मैं यहाँ अब इनको हरा देता हूँ अभी करूँगा यार गोल मुझे पता है 30 गोल हो गए हैं तो भी अभी थोड़ी सी देर में करूँगा पहले बी अटिक और इसके छोटे रूप को हरा देता हूँ। इसके छोटे रूप का भी आप मुझे नाम बता देना और यहाँ पर 30 गोल करता हूँ गए 30 गोल एंड फर्स्ट गोल करा है मैंने यहाँ पे। अब चलो यार बफ लेने के लिए मैं वो टॉरस और उसको स्टैंडलर को हराता हूँ यहाँ पे क्योंकि पहले इसको हराता हूँ। चलो एंड गाइस फ्लेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा मूव है और हेवी स्लैम भी है मैं फ्लेल आपको रिकमेंड करूँगा। यहाँ पे पहले कॉर्फिश बाबू जी को हराते हैं गया है तो मेरे कॉर्फिश तो यहाँ पे यौन ले लेना ब्लॉक भी यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि वो यौन इतना यौन वो यार
क्या नाम था उसका, हाँ ब्लॉक बेकार मिल गया। वो उस अपोनेंट के अटैक को यार रोक लेता है, तो गाइस वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा बन है, तो मैं वो भी रिकमेंड करूँगा, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं तो यार यौन ही ले रहा हूँ, मुझे यौन ज़्यादा अच्छा लगता है उससे, इसलिए तो यहाँ पे चलो पहले अब स्टैंटलर को हरा देते हैं। यहाँ पे स्टैंटलर भी गया, अब यहाँ पे 30 गोल होने वाले हैं स्कॉर्फिश को हराने के बाद, हो जाएंगे 30 गोल, वो भी करके आता हूँ यार। अब मैं हो गई 30 गोल एंड मैं यूनाइट मूव भी खुल जाएगा जब मैं 9 लेवल पे आऊँगा। यहाँ पे फ्लेल पहले इस पर करता हूँ, और ब्यूटिक को भी अभी हराऊंगा और उसके छोटे रूप को भी, पहले फिर मैं गोल करके आऊँ यार, बहुत देर हो गई है मैंने गोल लिया। अब फिर चलो अब पहले गौतम को लेंगे, अब हैं पहले गौतम को ले रहे हैं क्या, फिर यहाँ पे 20 गोल ही हैं, तो 20 गोल तो मैं अभी कर ही लूँगा। एंड यहाँ पे ड्रेडनो को देखते हैं, मैं यूनिट खुल के मैं 9 लेवल का हो गया हूँ। ओके तो उसने ड्रेडनो को ले लिया है, सही है। एंड वो शायद गार्चोम, हाँ वो गार्चोम बन गया, सही है। चलो यहाँ पे ये वाला गोल भी कर लेते हैं डिस्ट्रॉय, एंड अब मारते हैं रोटम को। और भाई उसके पास 40 गोल है, कर दिया भाई 40, वो भी बहुत सही खेलता है, कोई नहीं। चलो फिलहाल तो हम रोटम को पहले मारते हैं, एंड यूनाइट मूव में उस पर यूज़ कर दूंगा अगर उसका ज़्यादा लेवल होगा ना, मुझे नहीं लगता मुझे उस पर यूनाइट मूव अपना यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमेशा रोटम के पीछे चलना चाहिए, हमें पीछे ही चलना चाहिए हमेशा, हमें रोटम के पहले, मैं भी यार आगे चलता है लेकिन भाई पीछे चलना चाहिए। यहाँ पे 20 गोल कर देता हूँ, 60 गोल चाहिए अब, ऐसे 50 ही होंगे, 60 ही तो हो पाएंगे, अरे 50 भी नहीं होंगे अभी तो 40 ही कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैं इनको हरा हरा के इतना ऐसे ऐसे गोल करता जाता हूँ। चलो यहाँ पे फेल, इसका नाम भाई मैं मुझे सही में अनोवा सीरीज देखनी पड़ेगी, अनोवा का ही था ना कि पोकेमोन लास्ट फाइट में आया था कि पोकेमोन, यार मुझे अनोवा सीरीज सही में देखनी पड़ेगी। और मुझे ये भी नहीं पता ये वाला पोकेमोन अनोवा का भी था कि नहीं, क्योंकि मैंने इसे पोकेमोन लास्ट फाइट में देखा था। ओके सो यहाँ पे गया स्टैंटलर भी, और यहाँ पे 7 गोल उसकी फार्मिंग की वाली है, मेरी वाली पता नहीं। फिलहाल अब मैं चलो ड्रेडनो को लेने चलता हूँ, यहाँ पे आ गया ड्रेडनो, मेरी टीम में तो कोई है भी नहीं, मैं सोचा था हेडेड टू द बॉटम पाथ कर दूँ, फिलहाल कोई नहीं। चलो तो लिटिल सरप्राइज वो मिल गया, ओ भाई भाई साहब ओके नॉट बैड, पर ये पिटने वाला है मुझसे बहुत बुरा वाला, वो भी चलो, और बहुत बुरा पिटा, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। चलो अब ड्रेडनो तो अपन ले ही लेंगे, यहाँ पे फ्लेल अटैक, लेट्स गो, यौन से फुला देते हैं। एंड गाइस यौन अटैक ऐसा है कि वो रोक लेता है उस बंदे को। एंड गाइस यहाँ पे 41 गोल है मेरे पास, चलो भाई गोल करते हैं, आधे अधूरे गोल नहीं करेंगे लेकिन मुझे तो चिल मचती है एच पी भाई, देखो ना कितनी कम है फिर भी, ओ बढ़ कैसे गई लेकिन मेरी एच पी, अभी तो मेरी 1 एच पी थी शायद, पता नहीं कितनी थी, मैं दिखाती नहीं ना कितनी एच पी होती है, 1 एच पी 2 एच पी। ओके तो उसने रोटम को ले लिया, बहुत अच्छे बबुआ, लेकिन तुम मरोगे बबुआ। गया भाई कितनी चुल मचती है मुझे, मेरी एच पी इसने कितनी कम कर दिया फिर भी मैं इसे मार रहा हूँ, कितनी चुल मचती है। ओ भाई मार दिया भाई साहब,
मुझे लगा नहीं था मैं मार दूंगा इसे। प्लाज्मा गोल करूं, 50 गोला एंड ये गोल गया। चलो यार अब मैं एचपी बढ़ाऊं, बेस पे जाता हूँ, एचपी बढ़ाता हूँ। गया बेस पे मैं, वो वहाँ पे आया था, मैं वैसे वहीं पे गया हूँ फिर से, क्योंकि मरे भी ना तो। शिट मैन यार, गार्ड जंप का यूनाइट मूव बहुत तगड़ा होता है। चलो भाई पूरे गार्ड जंप के यूनाइट मूव से बच गया हूँ मैं, सही है यार। यहाँ पे बेरी भी ले ली। ओके आठी कौन आ चुका है, लेकिन फिर ओके ओ आ गया। चलो यहाँ पे ये वाला गोल भी ले लेते हैं। आर्टिकोनों को तो यार हराने चलूंगा अभी, ये बीआरटी को और इसके छोटे रूप को मार के। चलो अब चलता हूँ यहाँ पे, अब अगर वो आया ना तो यहाँ पे आर्टिकोनों को भी डैमेज होगी और उसको भी डैमेज होगी, क्योंकि मैं अपना यूनाइट यूज कर दूंगा फिर यहाँ। एंड गाइस अगर आपको बैकग्राउंड में से शायद ही नॉइस आएगी क्योंकि मैं एकदम बंद करने में बैठा हूँ, अगर आ रही हो तो उसके लिए सॉरी भाई, पहले ही कह रहा हूँ सॉरी। एंड गया फिर से, ये भी गया, गया यार ये मेरे सामने बचता क्यों, ये भाग रहा है, देखो भाग रहा है। ये बार फ्लेल खुल जाने दो, ये गया गया। एंड यहाँ पे भाई साहब बहुत कम सेकंड बचे हैं, 49 सेकंड है। यहाँ वो रो रहा है, चलो हाँ यार आर्टिकोनो को तो ले ही लूंगा शायद मैं यार, अगर ले भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, क्योंकि ये भाई सेकंड भी बहुत कम बचे हैं, शायद मैं गोल कर दूँ, शायद भी ना कर पाऊँ। और वो आ ही गया है लग रहा है, लो भाई आ गया भाई। बहुत बुरा स्टीलर है लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं हुआ फिर भी। ओ चलो लास्ट में इसने हरा ही दिया मुझे, लेकिन ये गोल भी नहीं कर पाया भले इसने आर्टिकोनो को ले लिया हो, मैं वो तो भाई वहाँ से भाग के सीधा गोल करता, लेकिन फिर भी है। मैं जीत गया, सही है यार। चलो गाइस तो गाइस यही थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस ये पोकेमॉन यूनाइट का फर्स्ट पार्ट था, तो बाय बाय, पीस आउट।